ये कौन है हमारा? मासी खाला। ये मासी खाला है हमारी, शोरूम की मासी और खाला है ये। हजार रुपये हम देते हो राटा टाटा टा जो है। अच्छी चीज और एक बुरी चीज क्या है गाड़ियों के काम के, आपके एक्सपीरियंस है। और ये जी हमारा शेरा है, ये शेरा चेक करें पेट कहाँ जा रहा है। शेरा बड़ा फेवरेट होने वाला है भाई, होने इसलिए लगा है कि काम के प्रेशर्स के बाद और गर्मी वाले मौसम के बाद आपको जो चीज़ चेक करता हूँ वो ये है। चेक करें भाईजान, बारिश और इतना प्यारा मौसम माशाल्लाह के, और बड़े अरसे बाद फैसलाबाद में भी बारिश हुई है और बड़ी अच्छी चल रही है। अब उम्मीद तो ये है कि ये बरसती रहे काफ़ी, लेकिन हो रहमत वाली बारिश जो किसी के लिए कोई बवाल ना बने और किसी के लिए कोई मसला ना। और आदिल भाई काम बारिश में भी गाड़ी धो रहे हैं, ये बारिश में गाड़ी धो के क्या मिलना है पहले तो ये बताएं हमें। ये साइंसदान बंदा है हमारा, ऐसा होना चाहिए आप लोगों को जनाब। ऊपर इतनी तेज बारिश है लेकिन उसका पानी का पाइप चल रहा है बंदे का, कमाल है। मेहनत है ना, कोशिश काम करते रहना, काम नहीं रुकना चाहिए। क्या ख्याल आदिल भाई, फिर आज ओके हो गया मौसम? हाँ जी आदल, सबसे मसला आप बड़ा बनता है जनाब को, क्योंकि सारी गाड़ियाँ गंदी हो गई होंगी तो फिर आप ये दोबारा सारी वॉश करनी पड़ेंगी बारी बारी है। लेकिन शुक्र करो गर्मी भी तो थी ना, वो भी तो खत्म हो गई है। यही करना है, यही करना चाहिए। जो बंदों को कंटेंट चाहिए ना वो इस तरह बारिश में, खुद ही जान के आया है, किसी ने नहीं कहा इसे के जाके बारिश में नहा, सिर्फ अपनी मर्जी से आया। कामयाब हो गया, कामयाब हो गया, उस बाद में भाई की वीडियो बनेगी। हमारे शौक में अभी एंट्री मारा है रे, तो इसके भी एक हमने एड सेट लगाना है किस मॉडल का, तो ये आपको फिर चेक करवाते हैं सारे का सारा, फिर देखते हैं। लेकिन यकीन करें बारिश के बाद इतना हबस हो गया ना इस टाइम कि आप लोगों को क्या बताएं। अच्छा भाई चलते चलते आप लोगों को एक शोरूम का छोटा सा टूर भी दे देते हैं, स्टॉक अपडेट दे देते हैं, क्या कुछ अवेलेबल है और क्या कुछ आके बाय कर सकते हो। तो एक तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को 660 सीसी का स्टॉक मिल जाएगा, तो ये है सुजुकी स्पेशिया जो कि 660 सीसी के अंदर आती है, और ये यहाँ पर आपको 15 मॉडल मिलती है, 21 की इम्पोर्ट है और रेट भी मुनासिब सा है जो कि 2350 है। इसके डोर पावर स्लाइडिंग मिल जाते हैं, उसके बाद साइड पर मूव करते रहें तो निसान की रॉक्स है, ये बहुत गहरी गाड़ी और ये टॉप ऑफ द लाइन है जो कि हाइब्रिड वेरिएंट में आती है, और ये 21 मॉडल है, 23 की इंपोर्ट है, 24 का नंबर है। उसके बाद ये आल्टो है, ये आपको कैश पे भी मिल सकती है, इंस्टॉलमेंट पे भी, 24 मॉडल की है। उसके बाद ये होंडा स्विक है जो कि 17 मॉडल की हार्ड टॉप ऑटोमेटिक है, इसकी डिमांड यहाँ पर 43 लाख के अंदर है। उसके बाद यहाँ पर एक ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनकी गाड़ी है जो कि 96 मॉडल की होंडा स्विक है और इसकी 12 लाख रुपये डिमांड है बॉडी शॉवर में, लेकिन इनर सारा कम्प्लीटली पैक। उसके बाद एक और 660 के अंदर, तो वो यहाँ पर ये मस्ता फ्लेयर है पर्ल वाइट कलर में, 21 मॉडल है, 23 की इंपोर्ट अप्लाइड फॉर है, टोटल जेन्युइन पेंट में, कोई टचिंग नहीं। इसके बाद करोला लवर्स के लिए यहाँ पर ये GLI है जो कि 14 मॉडल मैनुअल लिमिटेड एडिशन में है, हाइब्रिड में प्रियस अवेलेबल है जो कि आपको ये नज़र आ रही है, 10 मॉडल है, 15 की रजिस्टर्ड है और इसकी डिमांड है 39 लाख और इसकी डिमांड है यहाँ पर 30,50,000। उसके बाद एक और GLI जो कि 15 मॉडल में है, इसकी डिमांड यहाँ पर आपको मिल जाएगी 31,50,000 और ये भी अवेलेबल है। उसके साथ साथ अभी थोड़ी सी एक और चीज़ें हैं जो आपको मैं चेक करवा देता हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा। तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये वाली GLI है, शाह साहब नहीं है फॉर सेल, GLI मिलेगी आपको। तो ये 12 मॉडल की है, 14 की रजिस्ट्रेशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 1.6। उसके बाद अगेन फिर शाह साहब नहीं है, ये GLI, ये आल्टिस है जो कि 1.6 में 18 मॉडल है, ये मिल जाएगी आपको, इसकी डिमांड 47 है। उसके बाद ये यारिस है जो कि GLI में है 1.3 के अंदर और ये भी अवेलेबल मिलेगी फॉर सेल और ये 21 मॉडल है 36 लाख में। जी हमारे काम की एक अच्छी चीज़ और एक बुरी चीज़ क्या है गाड़ियों के काम के, आपके एक्सपीरियंस है? अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ ये है कि इंजॉय अच्छी चीज़ है और बुरी चीज़ इंजॉय मतलब ज़्यादा इंजॉय बुरा है और थोड़ा इंजॉय ठीक है। यस। और ये जी हमारा शेरा है, ये शेरा चेक करें पेट कहाँ जा रहा है शेरा का, ठीक है ये अंदर करेगा सांस रोक लेगा अपने दे फिर दे अंदर दे करेगा पेट, वरना कुछ नहीं इसके इसके हाथ में कुछ नहीं है। हाँ ये हमारा प्रोटेक्शन स्क्वाड और समझ नहीं आती ये प्रोटेक्ट करेगा कि हम इसे करेंगे, अल्लाह ही खैर करेगा। ये दूसरा भी ये भौजिया ब्रदरान है जंग से हमारे पास स्पेशल है, ये माड़ा बंदा है और इसी बात से इसको किसी ने बहुत कुट पड़नी है, और मारना इसको किसने है उमर खान ने ये उमर खान इसकी बारी लेगा पूरी ये बंदा वो जो तारीफ का मोहताज नहीं है,
जानते हैं आप इसे, जानते हैं ना बस जी जी बिल्कुल, बस फिर जानते ही हैं आप, आप फिर बहुत ही जानते हैं। ये हमारे शोरूम की फूफी मासी खाला है। ये कौन है हमारा? मासी खाला। ये मासी खाला है हमारी, शोरूम की मासी और खाला है ये हमारा। अच्छा जी, चीजें चलती रहती हैं। अपडेट आप लोगों के साथ ये है कि गाड़ी की एड इसकी लग जाएगी, जो कि 96 मॉडल की होंडा सिटी, आपको चेक करवा भी देता हूँ एक दफा। ये वाली गाड़ी तो 96 मॉडल है, 97 की रजिस्टर्ड है, और बड़ी एक ड्रीम गाड़ी होती थी जो 90s के लौंडे शोंडे थे हमारी तरह स्विक, तब यही होती थी मेन। तो अभी उसने इनका क्लिप तो रिकॉर्ड किया, लेकिन अभी शायद तुकीर ने करना है, और फिर देन आपको इसका इंजन भी चेक करवाता हूँ। थोड़ी इंजन के बारे में इन्फॉर्मेशन लेके देते हैं कि क्या कुछ इसके इंजन में था और क्या चीज़ें हैं। सुनैन, ये 1600 है या 1.5 है? ये भाई 1500 है, ये EXI वाला वेरियंट है। और इंजन का क्या नाम होता है इसका? D15 है, D15A होता है वैसे नॉर्मली हर गाड़ी में, हर गाड़ी में यही चल रहा होता है। दूसरा क्या है इस इंजन की सबसे ज्यादा खसूसियात, क्या क्यों स्पेशल है ये? यार इसमें एसी होता है, इसमें आप केप्रो ईसीयू लगा लो या होंडा टा एसी ईसीयू लगा लो, ठीक है, इसी इंजन पे आप पटाखे भी चला सकते हो। मतलब वो फायर किट लग जाती है? वो फायर किट मतलब फायर किट नहीं होती, हाँ वो प्रॉपर पटाखे होते हैं। आरपीएम देते हो राटा टाटा टा जो है? हाँ, राटा टाटा अच्छा। सब कुछ हो सकता है, और ये गाड़ी फिर भागती भी बहुत है, ये सारी ट्यून हो सकती है। ये मतलब एक हिसाब से रॉ इंजन है, इसमें आप अपनी मर्जी का इश्यू डाल के अपनी मर्जी से इसको ट्यून कर सकते हैं। बाकी जी काम शाम तो साथ साथ चलते रहेंगे, लेकिन आज का जो वीडियो व्लॉग यहाँ पे खत्म करते हैं। कल दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और नई गाड़ियों के साथ, तो तब तक हमें आप सब्सक्राइब कर लें।